पर वजीर आला पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम फन मट्टी से के नाम से क्राफ्ट मेला का मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में एहतमाम किया गया है। मजीद जानते हैं सुहिरा तारिक से। सुहिरा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजीर आला पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम स्कीम 2018 के तहत फन मट्टी के नाम से मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में एक रोजा क्राफ्ट मेला जो है वो जारी है, जिसमें जनूबी पंजाब भर से माहिर दस्तकार और फनकार आए हैं और अपने अपने मखसूस फन का मुजाहरा कर रहे हैं। और जनूबी पंजाब की जो सकाफत है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो तहजीब है, उसके मुख्तलिफ रंग इस क्राफ्ट मेले में बिखरे हुए हैं। और इस वक्त भी यहाँ पर जो पीछे स्टूडेंट्स हैं वो मुल्तानी नक्काशी और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो तैयार की जा रही है। मुल्तानी कशीदा कारी जो है जो बड़ी मशहूर है और बड़ी पुरानी मुल्तान की पहचान है, ये तमाम चीजें क्राफ्ट मेले का हिस्सा हैं। लोग बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं इसको, जो देखने के लिए आ रहे हैं वो भी, और साथ साथ हमारे साथ पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के कुछ लोग वो भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। तो इस तरह के कॉम्पिटिशन होते रहने चाहिए, इससे एक तो ये होता है कि हम अपनी सकाफत से इंट्रोड्यूस होते हैं और दूसरे नए टैलेंट जो एक तो हम ये देखते हैं ना कि एक चीजें जो हैं वो एक पुराने अंदाज से ट्रेडिशनल वे में चली आ रही हैं, लेकिन इस सकाफत को एक वक्त के साथ जो हम आहंगी जो इसको मिलती है और इसके अंदर जो इनोवेशन होती है वो भी सामने आनी चाहिए। मुल्तानी सकाफत जो है खास तौर पर उसको बरकरार रखने के लिए नौजवान नस्ल जो है उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जहाँ पर वो अपना टैलेंट, अपनी सलाहियतें जो है और अपना जो जो भी उसका जो भी इन नौजवानों का शौक है उसको उभार कर सामने लाया जाए। और इस मुकाबले में तकरीबन 50 के करीब जो तालबात हैं वो हिस्सा ले रही हैं और जिसका सबसे खूबसूरत फन पारा होगा उसको जो है इनाम भी दिया जाएगा। और साथ साथ यहाँ पर मुल्तानी जो सकाफत है उसके मुख्तलिफ रंग बिखरे हुए हैं। यहाँ पर सराइकी झूमर जो है वो भी अभी नीचे पेश किया गया और जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं इस क्राफ्ट मेले में वो बहुत ज्यादा इससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं।